फ्रेंड्स, आज 7 स्टेट की 51 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, मध्य प्रदेश की 7 सीटें, वेस्ट बंगाल की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें। इस तरह से 7 सीटों का इलेक्शन हुआ। इन 51 सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 14 में से 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये 12 सीट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो ये इलेक्शन था इस बार का, ये तराई का रीजन और ये अवध का रीजन है, जो ये बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, कोरारा, कैसरगंज, बारदा, ये सारा का सारा ही वैसे तो शुरू से ही बीजेपी डोमिनेटेड रहा है। बीजेपी कभी इस एरिया में डाउन में नहीं रही, 2009 में भी, 2004 में भी, जब उनके 10 सीटें निकले तो भी इधर की एरिया से सीटें निकले, लेकिन इस बार तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरे वाली घंटी है, क्योंकि लखनऊ की सीट जिस पे राजनाथ सिंह है, और ये तीन चार जो सीटें हैं, ये जो मोहनलालगंज है, दोहरा रहा है, सुल्तानपुर है, इसमें टक्कर में है बीजेपी। तो ये तकरीबन ऐसी पिछली बार की जो 12 सीटें जीती, इस बार 12 नहीं जीत पाएगी बीजेपी। इस बार 4 सीटें ही इसमें लग रहा है कि बीजेपी 4 निकाल पाए इसमें से 14 में से, क्योंकि ये 4 सीटों में बीजेपी पूरी तरह से काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहा है। लखनऊ की सीट हुई, सुल्तानपुर की, और ये सीतापुर, मोहनलालगंज, बांबारी, टक्कर में कुछ एक और सिनारियो है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े किए थे, रायबरेली और अमेठी सीट जो के अलावा, वो इसको बीजेपी की सीट काट रहे हैं। पिछली बार इन सीटों पे, 14 सीटों पे 57% वोटिंग हुई थी, और इस बार 54% वोटिंग है, 3% वोटिंग कम हुई। ये पूरा क्लियर इंडिकेशन है कि अब बीजेपी रिपीट नहीं कर पाएगी। पांचवा फेज पूरा हो चुका है, छठा फेज और सातवां फेज अब रहता है, जिसमें छठे और सातवें फेज की एक में 14 सीटें, छठे फेज में 14 और दूसरे में 13 सीटें। असली जो वो था गेम प्लान, वो यही था, क्योंकि 41 सीटें हैं तीन फेज की, इसमें बीजेपी ने तकरीब उस टाइम 41 में से 38 सीटें निकाली थी उसका, और इस बार तो ये, और ये वाला जो फेज था, ये पांचवा फेज, इसमें इनके लिए पूरी वो था कि इसमें जो पिछली बार 12 निकाली थी, तो इस बार कम से कम इनको अपना पूरा रिपीट करने के लिए पिछली परफॉर्मेंस को 10 तो निकालनी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा तो 4 ही सीट निकाल पा रहे। दूसरा, वेस्ट बंगाल में भी जिस तरह का वो रहे हालात आज, थोड़ा जो बैरकपुर सीट पे वोटिंग हुई और उसमें हिंसा हुई, हालांकि वेस्ट बंगाल में तो शुरू से ही चल रहा है ये, लेकिन वो भी ममता के उससे नहीं हो पाएगा, बीजेपी का जो गेम प्लान है। कुछ हद तक राहत मध्य प्रदेश में जरूर है इसमें, कि मध्य प्रदेश की जो ये जो आज जो सीट हुआ, 7 सीटें, ये सारा ये एरिया, ये भी टक वो है, इस एरिया में बीएसपी भी टक्कर दे रही है 3-4 सीटों पर। तो सारा गेम प्लान इस पे, उस पे चल रहा था गेम प्लान। आज की उससे एक चीज़ और लगी कि जिस तरह से मोदी ने कल अपने इस तरह के लैंग्वेज यूज़ किए राजीव गांधी के बारे में, तो ये इनका लेवल पूरी तरह से मेंटेलिटी फ्रस्ट्रेशन वाली शो कर रहा है। आज की एक और सिनारियो से एक और लग रहा है कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट के बनने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं, क्यों? इस तरह से आज की सीट मिलाकर टोटल 425 सीटों का इलेक्शन हो चुका है, और अगले फेज में तकरीबन 125 सीटों का इलेक्शन हो जाता है, 120 के करीब सीटों का रहता है, 117-118 सीटों का रहता है। तो ये बहुत क्रूशल है। हालांकि ये तीनों फेज था, ये सारा का सारा नॉर्थ का एरिया था,
इसकी जो तीन फेज का जो इलेक्शन है इसकी जो इसमें 169 सीटों में 116 सीटें बीजेपी ने जीती तकरीबन 70%। लेकिन आज के सिनारियों से तो इनका बिल्कुल ही सूखा साफ लग रहा है, आज के सिनारियों से तो लग रहा है 200 भी पार नहीं कर पाएंगे, एनडीए 200 भी पार नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अपोजिशन पूरी तरह से इस पर हावी है उस तरह से इनका बीजेपी ने बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं मोदी धुआंधार रैली कर रहे हैं, अमित शाह धुआंधार रैली कर रहे हैं, एक एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 रैलियाँ कर रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उस तरह से तो ये फ्रस्ट्रेशन ही शो कर रहा है बीजेपी का, ये भी एक क्लियर इंडिकेशन। आज की सीट का एक और चीज़ वो है कि दोबारा से जोधपुर का वो जो फलौदी का जो सट्टा बाजार है उसने बीजेपी की रेटिंग और भी ज़्यादा डाउन कर दी। तो ये एक सिनारियो बता रहा है कि गठबंधन जिस तरह से बढ़ रहा है और ये थर्ड फ्रंट जिस तरह से बढ़ रहा है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं बनने जा रही। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल बटन का दबाना ना भूलें। और किसी भी सीट के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने काफ़ी एरिया में घूम के आया हूँ और काफ़ी मैंने उसको स्टडी किया है, मैं उसको रिप्लाई। थैंक यू।